हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ब्रैसिकेसी फैमिली पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली। तो ये कौन सी है? मालवेसी फैमिली, तो मालवेसी फैमिली को हम कॉटन फैमिली भी बोल देते हैं। कॉटन फैमिली और मेलो फैमिली भी इसको बोल देते हैं। तो कॉटन फैमिली या मेलो फैमिली भी इसको बोलते हैं। तो आप इसमें क्या क्या करेक्टर्स हैं? सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो करेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें म्यूसीलेज प्रेजेंट होता है। वेरियस प्लांट ऑर्गन्स में म्यूसीलेज प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक या फिर कहें डायग्नोस्टिक फीचर, तो डायग्नोस्टिक फीचर क्या होगा? इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा। म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट ऑर्गन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स में यहाँ पे म्यूसिलेज देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्लावर में मिलेगा, फ्रूट में भी मिल जाएगा और स्टेलेट स्टार शेप्ड हेयर मिलेंगे। स्टेलेट मतलब स्टार शेप्ड हेयर्स मिल जाएंगे सूट सूट पे। अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साइमोस टाइप का होता है। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा, मतलब कि जो टर्मिनल है, जो एपेक्स है, वो टर्मिनेट होता है फ्लावर के द्वारा, मतलब कि टर्मिनल पे फ्लावर आ जाता है, इसलिए साइमोस होगा और सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी मतलब जब टर्मिनल पे फ्लावर आ जाएगा तो वो फ्लावर अकेला ही रहेगा, तो वो सॉलिटरी हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? इससे कई सारे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है ये, इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉटन भी इसी में आता है, कॉटन भी फाइबर यील्डिंग प्लांट ही है। इसमें फाइबर यील्डिंग प्लांट्स काउंट होते हैं। अब इसके करेक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो फ्लावर जो होगा वो ब्रैक्टीएट होगा। ब्रैक्टीएट का मतलब है कि अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर लीफ बेस पे होती तो इसको स्टिपियल बोल दिया था, और यही यहाँ पे फ्लावर के बेस पे है तो ये हो जाएगी ब्रैक्ट। और जिसके पास ब्रैक्ट होता है वो फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टीएट फ्लावर, जिसको BR से रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक और नई चीज मिलती है, हमने पढ़ा था अभी तक कैलेक्स। कैलेक्स से अलावा भी इसमें एपिकैलेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें, ये एपिकैलेक्स है। एपिकैलेक्स कितने हो सकते हैं? तो 3 to 7 एपिकैलेक्स प्रेजेंट होता है। 3 to 7 एपिकैलेक्स होंगे, 3 to 7 होंगे। कैसे होंगे? ग्रीन होंगे। एस्टिवेशन की बात करें तो ये वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन कौन सा था? कुछ इस तरह से जो होता है, ये जो एस्टिवेशन था ये वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो वेलवेट एस्टिवेशन शो करेंगे। साथ में इसके पास जो कैलिक्स है,
ये कैलिक्स है। कैलिक्स कितने होते हैं? पांच। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते थे, तो सेपल्स कितने होते हैं? पांच होते हैं। पांच सेपल्स हैं और पांचों सेपल्स फ्यूज्ड कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। ये सब फ्यूज्ड हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? गैमोसेपल्स। गैमो सेपल्स कंडीशन बोलेंगे। तो ये गैमोसेपल्स हो गया। गैमोसेपल्स के बाद तो गैमोसेपल्स कंडीशन है, साथ में वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है ये भी। वेलवेट एस्टिवेशन गैमोसेपल्स है, साथ में वेलवेट एस्टिवेशन है। अगर कोरोला की बात करें तो कोरोला सभी जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करते हैं। होते कितने? पांच। तो पांच कहाँ है इसमें? एक, पहला एरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांच इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर बात करते हैं तो इसमें न्यूमेरस स्टेमेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेन देखने को मिल रहे हैं। ये सब स्टेमेन है और ये सारे स्टेमेन जो है एक बंडल में है, एक ही बंडल में सारे स्टेमेन है, तो ये कहलाएगा मोनो एडल्फस। एक ही बंडल में है तो इसको हम क्या बोल देंगे? मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन, क्योंकि सारे स्टेमन एक ही बंडल में प्रेजेंट है। लेकिन ये सभी स्टेमन जो है इनके एंथर फ्री हैं। बंडल तो है लेकिन ये बंडल जो है फ्री है। फ्री एंथर, यहाँ फ्री एंथर दिखाई दे रहे हैं। फ्री एंथर के साथ साथ इसमें जो कार्पल है, ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। इसमें पांच कार्पल होती हैं, तो मल्टी कार्पलरी और साथ में फ्यूज्ड हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन है। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन है ये। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, बेसिकली पेंटा कार्पलरी होता है। तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन है। ये प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिल रहा है। ये प्लेसेंटा हो गया। अब ये कार्पल जो थी ये यहां से तो फ्यूज्ड है, लेकिन इनके जो स्टिग्मा है ये सब फ्री होते हैं। ये स्टिग्मा सब फ्री है, ये फ्री स्टिग्मा दिखाई दे रही है। अगर इसके एंथर की बात करें, और ये गाइनोशियम कैसा हो गया? सुपीरियर है, स्टिग्मा फ्री है। गाइनोशियम कंप्लीटली सिनकार्पस है, मल्टीलोक्युलर है। ये जो फिलामेंट दिख रहा है ये एंथर, सिंगल लोब का एंथर है इसमें। अब एक ही लोब है इसमें और ये इसमें स्टिप्यूल भी दिख जाएगा। ये जो लीफ है, लीफ के बेस पे एक स्टिप्यूल भी दिखेगा। तो स्टिप्यूलेटेड लीफ भी होगी और ब्रैक लीफ भी होगी। अब इसको हम फ्लावर्स में देखते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एपिकैलिक्स होता है। ये सब जो दिख रहे हैं ये एपिकैलिक्स है। अब एपिकैलिक्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कैलिक्स दिखाई दे रही है, और ये फ्यूज्ड कैलिक्स है। ये सब फ्यूज्ड कैलिक्स है। नेक्स्ट इसमें ये बड है, ये कैलिक्स दिख रहा है, ये एपिकैलिक्स दिख रहा है। यहां पे ब्रैक्ट दिखाई दे जाएगा, तो इस तरह से इसमें ब्रैक्ट भी दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये जो है
हिबिस्कस है। हिबिस्कस में ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारी कार्पल्स फ्यूज्ड थी यहाँ से, और ये सब जाके ये स्टिग्मा बना रही है। पांच स्टिग्मा यहाँ पे फ्री फ्री फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और ये सब एंथर है, न्यूमेरस एंथर दिखाई दे रहे हैं, और सारे एंथर एक ही बंडल में है, इसलिए इसको मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ये एंथर दिखाई दे रहे हैं जो कि फ्री फॉर्म में है, और यहाँ पे स्टिग्मा दिखाई दे रही है, और स्टिग्मा कैसी है, फीदरी है। फीदरी स्टिग्मा क्यों है, जिससे कि पोलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके। तो ये जो स्टिग्मा दिख रही है ये फीदरी स्टिग्मा है, ये फीदर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये फीदरी स्टिग्मा है। अब ये जो एंथर है ये किडनी शेप एंथर, ये किडनी शेप एंथर जो है, तो अब किडनी शेप एंथर है, सिंगल लोब है इसमें और सिंगल थीकस है, तो एक ही थीकस है इसमें। अब इसमें जो है ये यहाँ बड बनेगी, ये जो बड है यहाँ पे इसके बेस पे ब्रैक्ट दिखाई दे जाएगा, जैसे कि ये बड है तो यहाँ पे इसके बेस पे ब्रैक्ट है, तो इसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ये कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट हो गया। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला को समझते हैं एक बार। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जैसे कि मैं अगर इसको कहीं से भी काटूंगा तो ये बराबर पार्ट्स में कट जाएगा, जैसे मैं इसको ऐसे काट सकता हूं, दो, फिर इधर से कट जाएगा, जैसे ये फ्लावर है, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये बराबर पार्ट्स में कई जगह से कट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, तो इस सिंबल का मतलब हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो हाँ इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। ये जो दिख रहा है ये इसमें स्टिग्मा, ये स्टिग्मा दिख रही है, ये सब एंथर है, और इसमें यहाँ ओवरी रही होगी, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब है इसके पास, और एंथर भी है, इसीलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। एपिकैलिक्स होता है 3 से लेकर 8 तक इसमें प्रेजेंट होते हैं एपिकैलिक्स, और कैलिक्स होते हैं 5। तो एपिकैलिक्स के लिए ये जो सिंबल दिख रहा है ये एपिकैलिक्स है, ये जो दिख रहा है ये ब्रैक्ट है, तो ब्रैक्ट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ये वाले एपिकैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो है कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितने हैं, 5 हैं, और 5 कैलिक्स हैं, और पांचों वेलवेट एस्टिवेशन शो करते हैं, एपिकैलिक्स भी वेलवेट शो करते हैं। अब ये जो कैलिक्स थे, ये कैलिक्स 5 थे, और जो कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करते हैं, ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम इनफाइनाइट मतलब न्यूमेरस होता है, गाइनोशियम 2 होते हैं, और मल्टीकार्पलरी कंडीशन है वो भी ज्यादा होंगे। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो एंड्रोशियम भी मल्टीपल होता है और गाइनोशियम भी मल्टीपल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्यूज्ड कंडीशन दिखाई दे रही है, तो ये मल्टी लोक्यूलेटेड कंडीशन जो है ये सब ओव्यूल ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये सिनकार्पस कंडीशन है, तो ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है, तो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है, ये फ्यूज्ड कार्पल दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिग्मा यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये जो कैलिक्स है ये कैलिक्स 5 थे और एंड्रोशियम न्यूमेरस थे, तो ये एंड्रोशियम जो है, जो जो स्टेमिन है वो स्टेमिन कैलिक्स से अटैच होते हैं, तो ये एपी पेटलस कंडीशन कहलाती है, क्योंकि कैलिक्स किसका ग्रुप है, कैलिक्स पेटल्स का ग्रुप है, तो पेटल्स से अटैच्ड है, इसलिए एपिपेटलस कंडीशन ये कहलाती है। और गाइनोशियम 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, जनरली 5 होते हैं इसमें, जनरली 5 होते हैं जैसा कि हिबिस्कस में होते हैं, लेकिन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, ये फ्री है। अब इसी तरह से ये फ्लावर जो है ये भिंडी दिखाई दे रहा है, ओकरा इसको बोलते हैं, भिंडी को ओकरा नाम दिया जाता है, ओकरा या लेडी फिंगर।
इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा एल्मोसस एस्क्यूलेंटस, एल्मोसस एस्क्यूलेंटस ये इसका नाम हो जाएगा। और कौन दिखेगा? ये कॉटन दिखाई दे रहा है, ये कॉटन के सीड दिखाई दे रहे हैं, ये सब कॉटन के सीड हैं, ये कॉटन फ्रूट है, इसके अंदर ये कॉटन बन रहा है और ये कॉटन बाहर आ गई है। कैप्सुलेटेड फ्रूट्स होते हैं, जैसा कि भिंडी में भी कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये कॉटन फ्रूट, इसमें सीड है, ये रुई बन रही है, इसमें कॉटन बन रही है और ये कॉटन सारी बाहर आ गई कैप्सूल बस्ट होने के बाद। और इसका नाम क्या होगा? गोसिपियम। इसका नाम होगा गोसिपियम, कॉटन का नाम गोसिपियम। नेक्स्ट इसमें जो दिख रहा है ये है रोजा, रोजेला हेम्पा, रोजेला हेम्प। हिबिस्कस सबडेरिफा, हिबिस्कस सबडेरिफा, इसका नाम है रोजेला हेम्प। इसको पटुआ भी बोलते हैं। तो ये रोजेला हेम्प है। दूसरा है डेकन हेम्प, ये जो दिख रहा है ये डेकन हेम्प है। ये है डेकन हेम्प, जिसको हम हिबिस्कस कैनाबिस कहते हैं, हिबिस्कस कैनाबिनस। ये जो दिख रहा है ये बालसा वुड है, ये बालसा वुड का एक पूरा फॉरेस्ट है, ये है बालसा वुड, जो कि लाइटेस्ट वुड है। लाइटेस्ट वुड है, फिर ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस भी इसी का मेंबर है। ये मालवा सिल्वेस्ट्रस, ये क्या है? मालवा सिल्वेस्ट्रस, जिसको मेलो वुड भी बोलते हैं, मेलो वुड। तो ये इसमें दिखाई जाएगा। और लास्ट बचा एल्थिया रोजिया, इसको होली हुक भी बोलते हैं, और ये होली हुक जो है इसी से, इसके लीफ से ब्लू कलर भी लिया जाता है, इसकी लीफ से ब्लू कलर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मालवेसी फैमिली कंप्लीट की।